दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं और जल्दी से जल्दी अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, आप जरूर सोचते होंगे कि हर रोज एक्सरसाइज कितनी देर करें ताकि आपको उसका अच्छा परिणाम मिले। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बढ़िया मसल्स बनाने के लिए आपको जिम में कितनी देर एक्सरसाइज या वर्कआउट करना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए डेली कितने मिनट या कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस प्रश्न का जवाब सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। किसी का शरीर 1 आवर का वर्कआउट सहन कर सकता है और कोई डेली 2 आवर्स भी एक्सरसाइज करता है। लेकिन हम यहाँ बॉडी के हिसाब से नहीं बल्कि टाइम और वेट के हिसाब से आपको बताएंगे कि जल्दी से जल्दी अच्छी मसल्स बनाने के लिए आपको जिम में कितना वक्त बिताना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब शुरू में कोई जिम ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एक्सरसाइज करने का भूत सवार हो जाता है। शुरू में इतना जोश होता है कि बस जैसे सारी कसरत आज ही कर लें। इसी जोश के चक्कर में लड़के देर तक वर्कआउट करने में लगे रहते हैं। उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि अपनी बॉडी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सरसाइज कितनी देर करें। ये गलत बात है। हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा शरीर कैसा है, हमारा वजन कितना है, हम क्या करना चाहते हैं और जिम ज्वाइन किए हुए हमें कितना समय हुआ है। इन्हीं सब बातों को समझने के बाद निर्णय लिया जाता है कि आपको व्यायाम या एक्सरसाइज कितनी देर करें। अगर फिर भी आप पता नहीं कर पाए हैं तो चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। जिम में डेली कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपने जिम अभी ज्वाइन ही किया है तो शुरू के 15 दिन आप जिम में केवल 45 मिनट्स ही बिताएं। 10 मिनट वार्म अप और स्ट्रेचिंग को दें और बाकी की 30 मिनट अपनी मेन एक्सरसाइज करने में बिताएं। ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को हैवी एक्सरसाइजेस करने के लिए तैयार करना होता है। बॉडी के हर पार्ट को तैयार होने के लिए कम से कम 15 दिन का समय जरूर दें और 30 मिनट की एक्सरसाइजेस के दौरान ज्यादातर मशीन्स का ही इस्तेमाल करें। फ्री वेट को कम रखें और हर 3-4 दिन में धीरे धीरे करके बढ़ाएं। जो एक्सरसाइज मशीन वाली नहीं होती वो फ्री वेट की कैटेगरी में आती है। तो जिम की शुरुआत करने वालों को समझ में आ गया होगा कि शुरू में वर्कआउट कितनी देर करना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी देर करें बॉडी बनाने के लिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत पतले और कमजोर से होते हैं, जिनको अपना वजन भी बढ़ाना है और मसल्स भी बनानी है। ऐसे लड़कों के लिए हमारा ये कहना है कि आपको तो एक्सरसाइज टाइम लिमिट वाला नियम जरूर फॉलो करना है। आप बॉडी बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करने लग जाएं। आपको बता दें कि बॉडी बनाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज डाइट है, एक्सरसाइज नहीं। अगर आप ज्यादा टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा, आप पतले ही रहोगे। क्योंकि जितनी कैलोरीज आपने खाने के द्वारा ली होंगी वो तो वर्कआउट करने में ही खर्च हो जाएंगी। इसलिए आपके लिए हमारा सुझाव ये है कि आप एक्सरसाइज कम करें और खाने की मात्रा बढ़ाएं। जब लगातार 4-5 महीने आप ऐसा करोगे तो आपको आपकी बॉडी में काफी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपका वजन भी बढ़ चुका होगा। तो ऐसे लोगों को जिम में 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब बारी आती है ऐसे लड़कों की जो मोटे होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है। ऐसे लड़कों का मकसद मसल्स बनाने के साथ अपना वजन कम करना भी होता है। ऐसे लड़कों को जिम में ज्यादा समय बिताने की जरूरत होती है। ऐसे लोग अगर हमसे पूछते हैं कि एक्सरसाइज कितनी देर करें, तो उनके लिए हमारा जवाब होगा कि आप लोग कम से कम 1 घंटा 30 मिनट आप वर्कआउट करें। इसका कारण ये है कि आपको अपना मोटापा भी कम करना होता है, जिसके लिए आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी होती है। जितनी ज्यादा देर आप एक्सरसाइज करते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी कैलोरीज खर्च होती हैं। तो ज्यादा वजन वालों को भी समझ आ गया होगा कि उनको एक्सरसाइज कितनी देर करनी चाहिए डेली। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सबके लिए अलग अलग टाइम बता रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक्सरसाइज आपको अपनी बॉडी शेप के अनुसार ही करनी चाहिए। चलिए अब सबको मिलाकर एक्सरसाइज करने का एक एवरेज टाइम निकालते हैं। सभी जिम करने वाले लड़कों से हमारा कहना है कि आप सबके लिए 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 40 मिनट का तक का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। पर बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिन्हें अपनी बॉडी का हर पार्ट परफेक्शन के लेवल तक पहुंचाना होता है। तो ऐसे कई लड़के जिम में 2 घंटे से भी ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन उनका लेवल अलग है। आप लोगों को अभी ऊपर जितना टाइम बताया गया है उसको फॉलो करें। अंत में आपसे यही कहेंगे कि एक्सरसाइज जितनी भी देर करें पूरी शिद्दत से करें, संयम रखें और हमेशा खुश रहें।